हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर सेकंड, जो कि पॉलिनोमियल है, उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन फर्स्ट नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार किसी वेरिएबल की वैल्यू रखने के बाद पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू कैसे हमने फाइंड करी है किसी पॉलिनोमियल की। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में हमने y की वैल्यू पहले 0 रखनी है, फिर 1 रखनी है और फिर 2 रखनी है, और उसके बाद चेक करना है कि क्या सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी आती है वो चेक करेंगे। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें और सीख लें कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखने पे हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकलता है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले रखना है हमने p की वैल्यू 0। अब देखिए y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या रखनी थी हमने, 0 रखनी थी, तो हमने 0 पुट कर ली है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर होता है 0 और ये 0 हो जाएगा प्लस 1 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल में अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका सेकंड पार्ट है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि हमने क्या रखना है, अब 1 रखना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू रखनी है 1। अब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है हमेशा, और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। थर्ड है इसमें, हमने फिर क्या रखना है, y की वैल्यू 2 रखनी है, तो थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका P2। y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि 3। अब देखिए अगर मैं y की वैल्यू अगर 2 पुट करूं इस पॉलिनोमियल में तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आ जाएगी, 3। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने ये वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम 0, 1 और 2 रखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो पुट करते हैं, पहले रखेंगे हम 0, यानी कि P0 रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा, यानी कि T की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था वाई, अब क्या है, टी है, तो यानी कि हम टी की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां हो जाएगा आपका पी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखिए 2 प्लस टी की जगह रख देंगे 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यू, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस, अब ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और यदि मैं इसके साथ इंटू कर दूं 2 को तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही आएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में टी की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट में हमने रखना है 1। अगर मैं P1 रख दूं इसमें तो ये, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें हमने T की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 1 1 होंगे 1 1 जा 1 होता है और फिर 1 1 जा 1 ही आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में अगर t की वैल्यू 1 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसका थर्ड पार्ट है, अब हमने रखना है 2, t की वैल्यू क्या रखनी है, 2। अब देखिए अगर मैं t की वैल्यू 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस, फिर t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है,
प्लस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 2 का क्यूब जाएगा 2 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अब 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8। अब देखिए 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, अब ये प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में t की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा आंसर 4 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू x क्यूब। अब देखिए हमने x की वैल्यू पहले क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो पुट कीजिए 0 का क्यूब क्या हो जाएगा हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, अब हमने क्या रखना है, अब इसमें 1 पुट करना है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा हमेशा 1 ही होता है। इज दैट क्लियर? अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने पहले x की वैल्यू 0 रखी तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, ठीक है। फिर हमने 1 वैल्यू रखी x की तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होता है। फिर हमने x की वैल्यू रखी 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार हम किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का अगर हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको पुट करने के बाद जो आंसर निकलता है वही हमारा पॉलिनोमियल का क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है। फोर्थ पार्ट है इसका, px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू प्लस 1, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका माइनस 1। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 0 जा 0 ही आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें p की वैल्यू रखनी है हमने 2, तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू x माइनस 1 और इधर है आपका x प्लस 1। अब x की वैल्यू हमने क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है हमने 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और इधर हो जाएगा 2 प्लस 1। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 बन जा 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप किसी पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है अगर वो हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर फाइंड होता है आंसर में वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।